मैडम आपका नाम? मेरा नाम किरण है और मैं इस डिपार्टमेंट में 30 साल से काम कर रही हूँ। किरण जी आपका कौन सा प्रोजेक्ट है? मेरा मायापुरी प्रोजेक्ट है। हाँ। और मैं 30 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ और हमारे साथ बिल्कुल ना इंसाफी की जा रही है, क्योंकि हम जब 12th पास हुए थे तब से हम इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और हमारी सारी उम्र इसी डिपार्टमेंट में बीत गई है। अब ये हमें कह रहे हैं कि आपको हम निकाल देंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर लिया था। काम तो हम इसी डिपार्टमेंट में कर रहे थे, आपने खुद हमें कॉन्ट्रैक्ट पर लिया, इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है। और मैं वैसे भी विडो लेडीज हूँ और बताओ मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इस समय कहाँ जाऊँ अब इस एज में। क्या नाम बताया आपने? किरण। किरण जी, जब आप नौकरी कर रही थी, आपको 30 साल हो गए लगातार नौकरी करते हुए, एक परिवार की इच्छा ये होती है, बच्चों की इच्छा ये होती है कि जब मम्मी रिटायर होंगी तो हम एक बड़ा मोबाइल लेंगे और एक अपना फ्लैट लेंगे, घर मकान बनाएंगे। तो आप जब रिटायर होंगी तो आपको डिपार्टमेंट से क्या सुविधाएँ मिलेंगी? सर अभी तक तो कुछ भी सुविधा नहीं मिली, बल्कि निकालने की नौबत और आ गई है। बताइए, अभी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में ECC की ट्रेनिंग करवाई गई थी और तब मनीष सिसोदिया जी ने ये कहा था कि आप लोगों सुपरवाइजरों ने हमारा बहुत साथ दिया है, तो अब क्या सुपरवाइजरें नहीं दिख रही हैं उनको? और डिपार्टमेंट में इतनी पोस्टें खाली पड़ी हैं कि सुपरवाइजरें अगर हमको भी लिया जाए और DSSB से भी लिया जाए तब भी इनकी पूर्ति नहीं होगी। 10,000 आंगनवाड़ी दिल्ली में है और एक एक सुपरवाइजर को 50-50 आंगनवाड़ी को देखने को कहा जाता है और 6-6 बजे 7-7 बजे तक हम लोग काम करते रहते हैं। बताइए हम कहाँ जाएं? ये हम लोग को भी ले सकते हैं, उनको भी ले सकते हैं, लेकिन हम गरीबों को क्यों हटाया जा रहा है?